सबसे पहले तो ये जो है ना लहसुन, इसको हम ऐसे ही डाल के, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय लवली फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक खुशबाश और हंसते मुस्कुराते होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं जी। आज एक और स्पेशल डिश, ठीक है, आज हम बनाएंगे कलेजी, वो भी एक नए स्टाइल से, डिफरेंट स्टाइल से, इस तरह कभी किसी ने नहीं बनाई होती। आप लोग सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो में मेरे साथ ही बने रहिएगा। आज मैंने कपड़े थोड़े से वॉश किए थे क्योंकि बेबी के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, उसके सारे कपड़े धोने वाले हो गए थे, बार बार उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो कुछ वॉमिटिंग हो रही थी उसको, तो इस वजह से उसके कपड़े सारे वॉश किए। तो थोड़े से ये वाले कपड़े थे तो मैंने वॉश कर दिए। मैंने कहा चलें जितना काम आसान हो उतना ही बेहतर है, तो मैं काम ख़त्म करके तो फिर आपसे मिलती हूँ वीडियो में। तो मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, कहीं जाना है। अच्छा तुम अभी फिर क्या ले आए हैं आप आज खाने में? कलेजी साथ इसके दही लाए? घी लाए। अच्छा ये दही है और ये दूध है, ठीक है। तो अभी हम सारा कुछ कर लेते हैं, पहले सबसे पहले तो हम कलेजी को रेडी कर लेते हैं। कलेजी किस तरह धोते हैं, किस तरह इसकी स्मेल, स्मेल तो नहीं कहेंगे, वो जो एक खुशबू सी होती है उसके अंदर। सबसे पहले तो ये जो है ना लहसुन, इसको हम ऐसे ही डाल के तो कूट लेंगे। आप देखते जाइएगा कि याद में कलेजी किस तरह बनाते हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले तो हम कलेजी को निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमने कलेजी सारी निकाल ली, छोटी छोटी पीस करवाए हैं, अभी धोई नहीं है, आपके सामने ही शॉपर से निकाल लिया, ठीक है। तो इसको ज़रा रख दें, तो अभी इसमें शामिल कर देंगे जी लहसुन कूट के रखा है छिलकों समेत, तो इसको लगा देंगे हम, ठीक है, इस तरह से। इसको लगा के हम रख देते हैं कितने मिनट, 20 से 25 मिनट, ठीक है। उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। अच्छा तो हो गया है हमारा 20 से 25 मिनट, कलेजी को जो मैंने लहसुन लगा के रखा था उसको हो गए हैं 20 से 25 मिनट, और उसको वॉश कर लेते हैं, तो चलते हैं। ये देखिए जी, जो लहसुन लगा के रखा था अब इसको हम वॉश कर लेते हैं, तो इसके ये सारा कुछ रिमूव कर देंगे, तो मैं वॉश करके आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह से हमारी कलेजी जो है ना वो वॉश हो गई है, और इसको मैंने निकाल लिया, इसका कलर भी देखे चेंज हो गया, लहसुन के पानी से निकाल लिया, अच्छी तरह धो लिया, छन्नी में रखा है ताकि जो पानी है ना वो निकल जाए। अच्छा तो मैंने मंगवाया था दही, बिस्मिल्लाह ये डालेंगे इसमें, ठीक है, थोड़ा सा ही डालेंगे, नहीं हमने इसमें डालना, ठीक है। नमक अभी इस स्टेज पे नहीं डालेंगे, हमने इसमें डाल दिए हैं हल्दी, डाल देंगे जी हम इसमें सिर्फ मिर्च शामिल कर देंगे, ठीक है। इसमें हम डाल देंगे जी सूखा धनिया, एक चम्मच शामिल कर देंगे, इसमें डाल देंगे जी हम गरम मसाला, थोड़ा सा ही डाल देंगे, ठीक है। जो लोग रोज़ कुकिंग करते हैं उनको आइडिया हो जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ जी लहसुन का पाउडर, तकरीबन एक टीस्पून डाल देंगे, इससे भी फ्लेवर अच्छा आएगा, ठीक है। ये मैंने लहसुन अदरक पीस लिया था तो वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। और ये हम डाल देंगे इसमें कलेजी, ठीक है। इसको कर देंगे मिक्स, ये देखिए जी मज़े आएंगे, खाएंगे तो मसाले वाली कलेजी के मज़े ना आए तो बताइएगा आप, ठीक है। आप भी अपने घर में बताइएगा खुशबू कितनी अच्छी आ रही है अभी से ही। ये देखिए जी माशाल्लाह से कलेजी, चलो ये कलेजी हमारी हो गई है मैरिनेट, तो इसको हम रख देंगे अभी, और साथ में हम बना लेंगे मसाला अपना,
जी फ्राइड पैन मैंने और मैंने इस पर चिप्स बनाए थे बच्चों के, तो वो फ्राई किए थे, तो वही वाला ऑयल है, इसी में मैं बना लेती हूँ। ऑयल ताकि ज़ाया ना हो, भाई बहुत महंगाई हो गई है तो इस वजह से थोड़ी कंजूसी करनी पड़ती है। तो इसमें हम डाल देते हैं प्याज, ये मैंने प्याज चॉप करके रखी हुई थी, ये एक प्याज है, ठीक है। इसको हम जो है ना इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो हम दूध भी साथ में बॉईल कर लेते हैं, दूध रख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्याज, तो मैंने टमाटर काटे हुए हैं तो ये डालेंगे इसमें, ठीक है। इस स्टेज पे पानी नहीं डालेंगे, और अभी हमने नमक भी नहीं डाला, आपको याद होगा नमक भी मैंने नहीं डाला। नमक भी हमने कब डालना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, दिल्ली में हमारे साथ ही नमक लगेगा, ठीक है। आटा भी मेरे पास ही रखा हुआ है, तो आटा भी गूंद लेते हैं, ठीक है। हो गया हमारा मसाला तैयार, तो ये अब हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिखाएं जरा पास से, ये देखिए ये हम सारा इसमें डाल लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, निकाल लेंगे। यहाँ पे आँच जरा दरमियानी सी कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे माशाल्लाह से, अच्छा कलर आ रहा है, अभी तो पक्की भी नहीं है, ठीक है। सारा काम इसकी बुनाई का है, ठीक है, बुनाई इसकी अच्छी से करेंगे हम, ठीक है। तो अभी जो है ना मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए इसमें डालेंगे बर्तन में, इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है। और इसमें डालेंगे अब हम इसमें नमक डालेंगे जितना हमने कलेजी में डाला है, ठीक है। ये देखिए पानी के अंदर नमक मिक्स करके, पानी के अंदर नमक मिक्स करके ये हम डाल देंगे ना, ताकि ये हमारा मसाला भी अच्छे से लग जाए। बिस्मिल्लाह है ना, दम पे रख देंगे हल्के से, ठीक है, बन जाए तो फिर तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। समेटते हैं फिर आटा गूंथेंगे। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आटे में नमक शामिल ना किया जाए तो अजीब मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। तो आटा गूंदने लगी हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गूंद लिया, ठीक है। आज थोड़ा सा ही आटा गूंदना था, आटा गूंद लिया, बेबी रो रही है तो मैं उसको चुप करा लूँ थोड़ा सा, तो फिर बाकी खाना हम आपको बाद में दिखाते हैं, ठीक है। पहले उसको चुप करवाना लाजमी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोती है, ठीक है। तो वो झूले में है, तो साथ से इसको होमवर्क भी करवा रहे हैं बाला साहब को, और साथ मैंने सोचा है कि सैलड बना लिया जाए तो सलाद काट लेते हैं। और आज इसमें मैंने वो पुदीने के पत्ते काट के नहीं डाले, मिर्चें भी नहीं डाली, ठीक है। आज सादा सा हमारा सलाद है, हमारी हो गई है तैयार। इसमें ये हल्दी से सब्ज़ी मिर्चें मैंने काट ली हैं, इसे ये डाल देंगे, थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला छिड़क देंगे, माशाल्लाह से हमारी कलेजी तैयार हो गई है।
हमारी नहीं है तो ये बकरे की कलेजी। इंशाल्लाह मसालेदार कलेजी तैयार है, मसालेदार कलेजी तैयार है। तो आप लोग भी आए हमारे साथ खाना खाएं और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, ब्लॉग अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, छोटी सी बेटी है मेरी जिसको मैंने संभालना होता है, 3 माह की बेटी है, उसको मैंने बार बार खाना बनाते हुए बीच में से उठ के ब्लॉग बनाते हुए जाना होता है उसके लिए, ठीक है, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, ये मुझे पता है, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।